वट इज मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं जल्दी से कमेंट करिए और फिर हम इसका डायग्राम समझेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं मॉड्यूलेशन के लिए ठीक है चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए

जिन्ना जी भी हमारे साथ है तो जिन्ना जी का कमेंट है हमारे पास ऑफलाइन देखते हो हमारा लेक्चर कोई इशू नहीं है आप ऑफलाइन देखिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से देखिए कोशिश करिए कि लाइव अगर आप देख पाए तो लाइव देखिए बिकॉज आप डायरेक्टली आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है बिकॉज आप बाद में कमेंट करते हो तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है आपको रिप्लाई करने के लिए अदरवाइज अगर, अगर जैसे सपोज मे भी आप जॉब करती हूँ या कुछ भी आप बिजी रहते हो तो इस वजह से नहीं देख पा रहे कोई इशू नहीं है आप बाद में देख लीजिए ठीक है अब कमेंट करिए जल्दी से व्हाट इज मॉड्यूलेशन और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मॉड्यूलेशन ठीक है रवि सैनी जी का कमेंट आ चुका है हमारे पास अली जी का आ चुका है मॉड्युलज मॉडिफाइड कैरियर सिग्नल ओके ऑडिबल है आलोक जी का कमेंट आ चुका है थैंक ओके ऑडिबल है बहुत अच्छी बात है सुपरपोजिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव ओवर मास्टर सिग्नल अमित जी का कमेंट आ चुका है रवि सैनी जी का भी आ चुका है श्यामल जी भी आ चुका है और सुषमा जी भी हैं हमारे साथ तो सुषमा जी का भी कमेंट आ चुका है बिल्कुल जब बेसिकली आपके पास एक लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है और वो आपको डिस्टेंस तक पहुंचाना है लॉन्ग डिस्टेंस तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो आपने क्या किया एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को उसके साथ मिक्स कर दिया उसके बाद आपका एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है बिकॉज आपका सिग्नल है डायरेक्टली जैसे मैं बोल रही हूँ अभी बहुत दूर तक तो जाने वाले से रहा मैं तो बहुत धीरे बोलती हूँ तो आपने क्या किया मुझे माइक दे दिया सो so दैट कि मेरी वॉइस आप तक पहुँच जाए अब आप कहाँ पर है पास में तो बैठे नहीं ऑफ अफकोर्स हमें कल मैसेज कमेंट भी आए थे कि आप कोलकाता से हैं हैदराबाद से हैं छत्तीसगढ़ से हैं जहाँ से भी है अब इतनी दूर तक आपकी जो सिग्नल है वो कैसे ट्रैवल कर करेगा जब आपकी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो इसलिए आपने क्या किया हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को उसके साथ आपने मिक्स कर दिया मिक्स करने से क्या हुआ आपका जो सिग्नल बनता है नाउ इट कैन रीच टू द डेस्टिनेशन अब आप डेस्टिनेशन तक अपने सिग्नल को पहुंचा सकते हैं अब जो मिक्स करके जो सिग्नल आ गया जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अब बन चुका है दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल अब इसको क्या कहेंगे बिकॉज उसमें आपने मॉड्यूलेशन क्या है उस कैरियर फ्रिक्वेंसी को मिक्स करना ही इज योर मॉड्यूलेशन बिकॉज आपने सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया है दैट इज वाई दी फाइनल सिग्नल जो आपने फाइनल सिग्नल आपको ऑप्टेन किया है दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से झारखंड से भी हैं भूषण जी चलिए बहुत अच्छी बात है राउर केरल से है हमारे से रवि सैनी जी चलिए बहुत अच्छी बात चलिए देखते हैं तो क्या हुआ मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन क्या आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैसेज सिग्नल है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है लाइक like मुझे यहाँ से अपनी आवाज आपको भेजनी है तो मैं यहां से मैसेज सिग्नल तोन सेंड कर रही हूँ बेसिकली तो ये इन्फॉर्मेशन मैसेज सिग्नल है यहाँ पर मैसेज सिग्नल अब बिकॉज मेरी आवाज बहुत स्लो है बहुत धीरे बोलती हूँ मैं तो अब क्या किया ये लो फ्रिक्वेंसी था तो लो फ्रिक्वेंसी को अब आपको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये मैंने कैरियर सिग्नल बनाया जो कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है या ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि आपका कॉस ही हो मैक्सिमम टर्म में आप इसे देखेंगे कि मैं आपका कॉस ही लूंगी जब कैरियर को लिखूंगी बट आपका नेसेसरी नहीं है कि कैरियर सिग्नल आपका कॉस ही हो साइन भी हो सकता है कोई और सिग्नल भी हो सकता है बट आप जनरली कॉज साइन को लेते हैं बिकॉज सोल सॉल्व करने में ईजी पड़ता है ठीक है तो ये मैं जनरली कॉस टर्म ही लूंगी कैरियर सिग्नल बट ये ध्यान रखना है ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इट मस्ट बी अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नाउ, इन दोनों को मिक्स करने से जो सिग्नल मिला दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल इट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल बिकॉज आपने मॉड्यूलेट कर दिया है तो मॉड्यूलेट कर दिया है सिग्नल को तो अब क्या मिलेगा ये जो अगर मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी थी इफ दिस इज योर ए एम एंड दिस इज योर ए सी जो हाइएस्ट जो इसका हाइएस्ट पॉइंट था वो क्या है ए एम दिस इज दी ए सी तो यहाँ पर जो इसकी आएगी दिस इज योर ए एम प्लस ए सी दिस इज योर ए प्लस ए तो आपको जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है अब देखिए इसमें क्या है इसमें आपका ये मैसेज सिग्नल भी है यहाँ पर आपका मैसेज सिग्नल भी है अगर मैं इसे पेन से बना दूँ तो क्या है यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे मैसेज सिग्नल भी बन गया यहाँ पर क्या यही तो आपका मैसेज सिग्नल है तो आपको ये मैसेज सिग्नल भी मिल गया और आपको ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी भी मिल गई बिकॉज आपको यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए थी बिकॉज आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है बहुत दूर तक आपको अपने सिग्नल को लेके जाना है ठीक है तो यहाँ पर आपके हाई फ्रीक्वेंसी भी आ गई और आपके पास मैसेज सिग्नल भी आ गया हालांकि आपका जो ये कैरियर सिग्नल है ये काइंड ऑफ वेस्ट ही कर रहा है आपका पावर को पावर को वेस्टेज ही कर रहा है बिकॉज हम एक्चुअल में चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो मैसेज सिग्नल है सिर्फ यही जाए आपके डेस्टिनेशन तक बट आपका करियर यहाँ पे कैरियर है ये भी जा रहा है तो ऑब्वियसली पावर आपकी वेस्ट हो जाती है बहुत सारी वो हम देखेंगे अभी पावर को कैसे बचाएंगे बहुत सारी मैथड्स से डी एस बी वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे वो बाद की बात है बट अभी बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए आपका मैसेज सिग्नल भी आप पहुँच चुका है और यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है तो जब आप डी मॉड्युलेशन करेंगे तब तो आप क्या करेंगे डी मॉड्युलेशन में इस हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देंगे और सिर्फ आपको ये वाला एनवलअप मिल जाएगा एनवेल वगैरह हम पढ़ेंगे अभी आगे इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए जल्दी से तो नितेश जी ने कमेंट किया है वो पटना से है अली जी ने क्या है वो हैदराबाद से है चलिए बहुत दूर दूर से लोग हैं हमारे पास बहुत अच्छी बात है साइन ही क्यों लेते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉस और साइन ही लेते जस्ट जैसे मैंने अभी बताया कि कॉस और साइन ऐसा जरूरी नहीं कि आप कॉस और साइन ही ले आप कुछ भी ले सकते हैं यहां पर आप कोई सा भी टर्म ले सकते हैं कोई सा भी सिग्नल ले सकते हैं प्रैक्टिकल और सिग्नल लेना चाहते हैं बट आप जब सॉल्व करेंगे तो जनरली आपको कॉसाइन टर्म में ही मिलता है बिकॉज आपको सॉल्व करने में थोड़ी ईजी पड़ता है दट सेट चलिए यहां पर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए नाउ वट इज डी मॉड्यूलेशन मॉड्युलेशन हमने पढ़ लिया नाउ वॉट इज डी मॉड्युलेशन अब पढ़ते हम वट इज डी मॉड्युलेशन डी मॉड्युलेशन क्या होता है आपका डी मॉड्युलेशन जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वॉट इज डी मॉड्युलेशन डी मॉड्युलेशन क्या होता है कोई बात नहीं विवेक जी आप लेट हैं कोई बात नहीं ज्यादा छोटा नहीं है कुछ नहीं बताइए मैसेज सिग्नल है कैरियर सिग्नल है मिक्स किया आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया बस इतना ही बताया है ठीक है आप ध्यान से पढ़िएगा व्हाट इज डी मॉड्यूलेशन कमेंट करना आपको व्हाट इज डी मॉड्यूलेशन डी से आप क्या समझते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ऑफ रिकवरिंग ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसफर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपने जो ट्रांसफर किया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये ट्रांसफर किया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसमें से मैसेज सिग्नल को रिकवर करना ही कहते हैं आप डी मोड्यूलेशन इट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ऑफ मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल को आप रिकवर करेंगे फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल अब जब सिग्नल आपका मॉड्यूलेट हो चुका है व्हेन योर सिग्नल हैज मॉड्यूलेटेड Already, then you have to recover the message signal. आपको 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 ही चाहिए at the end, तो तो को 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 करना है. तो आप क्या करेंगे? उसका demodulation करते हैं. उसमें करियर को लगा दो, mix कर दो, करियर को हटा दो अब जो बचेगा आपका अगेन इट इज योर मैसेज सिग्नल यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिकॉज आपका जो थ्योरी पार्ट है लगभग लगभग इस वाले फिलहाल आपका जो बेस है लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है मॉड्युलेशन आप समझ सक चुके हैं और डी मॉड्युलेशन अब हम इसके पावर के कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको देखेंगे बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अदरवाइज आप लाइक like कर दीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ गया है जल्दी से लाइक like कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और फिर हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे देखिए एक मॉड्यूलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने अगर बुक पढ़ी हो किसी ने तो बुक्स में एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल लिखा रहता है इसका मॉड्यूलेशन का वही मैं आपसे डिस्कस करती हूँ तो मॉड्यूलेशन का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है क्या कि अगर जैसे आपको पेपर फेंकना हो ठीक है लाइक आपने पेपर रोल अप किया और फेंका ज़्यादा दूर जाएगा नहीं जाएगा बिकॉज उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं इतनी पावर ही नहीं है कि बहुत दूर तक जा पाए एयर के साथ बह जाएगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा दो मीटर तीन मीटर इतना ही जाएगा पेपर को फेंकेंगे तो कितना ही आप फोर्स लगा लीजिए इतना ही दूर जाएगा आपका पेपर बट अगर आपको उसको में ज्यादा डिस्टेंस पे आपको अपने पेपर को फेंकना है तो आप क्या करेंगे उस पेपर को खोल के उसमें एक स्टोन रखेंगे स्टोन को रैप अप करके ठीक है स्टोन में पेपर को रैप करेंगे और फिर आप फेंकेंगे तो आप पत्थर के डिस्टेंस बहुत दूर तक जाएगी जो पेपर रैप हुआ एट दी एंड आपने क्या भेजा है पेपर ही भेजा है आपका वो जो पेपर है वो आपका क्या है सिग्नल ही है मैसेज सिग्नल है और जो पत्थर है आपका वो क्या आपका करियर सिग्नल तो करियर क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है उस पेपर को बहुत दूर तक ट्रैवल करने में वही चीज होती है आपके मॉड्यूलेशन में आपका सिग्नल है कैरियर है आपका स्टोन तो कैरियर बेसिकली हेल्प कर रहा है कि दूर तक वो ट्रेवल करे लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करे इस चीज के लिए आपका करियर हेल्प करेगा नाउ अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आई डोंट थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू जनरेट कैरियर सिग्नल ठीक है कैरियर सिग्नल को जनरेट कैसे करेंगे अभी बता देंगे जैसे जनरेशन ऑफ ई वगैरह आएगा आप सब समझ जाएंगे कि आपका मैसेज सिग्नल कैसे जनरेट होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे बन जाएगा और आपका कैरियर सिग्नल कैसे जनरेट किया जाएगा सब कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी जस्ट वेट ठीक है चलिए क्लियर है तो अब पढ़ते हैं हम आगे मॉड्यूलेशन के बारे में तो मॉड्यूलेशन में सबसे पहले है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसका ये डायग्राम था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है देखिए यहाँ पर क्या इसका एम्पलीट्यूड ही वेरी कर रहा है ठीक है एम्पलीट्यूड जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी ये जो फ्रिक्वेंसी थी आपका कैरियर था उसका इस तरह से मैंने डिजाइन बनाया है ठीक है तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है ठीक है अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी मॉड आपका ये क्या था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये मैंने बनाया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बनाती तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता तब कैसे बनाते अगर यही सिग्नल था ये मैंने सेम बनाया आपने अगेन कैरियर भी आपने सेम दिया जो कि कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रिक्वेंसी है यह आपका एफ बना रही हो आप फ्रिकवेंसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज करेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल अब देखते क्या हो जाएगा जहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है यहां पर आप क्या बनेगा आपका यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ी थोड़ी सी सॉरी ये बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया और अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती जा रही है अगेन आपका थोड़ा बढ़ रहा है हाइट इनके सबकी सेम ही रहेगी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया फिर से आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है फिर से आपकी दूर ठीक है देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आपकी इसकी हाइट बढ़ रही है तो आपका क्या फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से चेंज हो रही है यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी फिर से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी हाई तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है तो खैर एफ के बारे में बाद में बात करेंगे बट यहाँ पर अभी हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर रहे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जल्दी से कमेंट करेंगे व्हाट इज एम कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में व्हाट इज एम दैट इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जल्दी से कमेंट करेंगे कमेंट करिए जल्दी से आपका व्हाट इज एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका क्या होता है मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ एम्प्लीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल एम्प्लीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड वेरी कॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल पहले क्या था आपका जो कैरियर सिग्नल है वो क्या है आपका कांस्टेंट है बट अब क्या हो जाएगा जैसे आप सॉरी कैरियर केर, सिग्नल जो है आपका क्या है आपका कांस्टेंट है अर्लियर बट आपका क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूशन में अब क्या हो जाएगा बाद में क्या हो जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपका क्या करेगा ये कैरियर सिग्नल इसके जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी कर जाएगा वही चीज़ मैंने लिखी ए एम में क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो क्या कर रहा है वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है मैसेज सिग्नल का डिजाइन इस तरीके से बना है आपका साइनस तो कैरियर सिग्नल इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है ठीक है तो आपका क्या है वही चीज लिखें एप्टीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल इस तरीके से आपका चेंज करता है नाउ एज्यूम अगर आप एज्यूम करें एज्यूम क्या एज्यूम करना है एज्यूम मैसेज सिग्नल जो आपका मैसेज सिग्नल है वो आपका है एम टी एज्यूम मैसेज सिग्नल इज योर एम टी ियर सिग्नल इज इक्वल टू सी टी से डिनोट करेंगे सिग्नल है यही चीज मैं आपसे कही थी जरूरी नहीं कि हमेशा ये कॉस ही हो ये साइन भी हो सकता है अदर आपके फॉर्म में भी हो सकता है कोई भी आपका सिग्नल हो सकता है नेसेसरी नहीं कि ये कॉस ही हो बट जनरली आप एग्जाम में कॉस ही देखते हैं इसीलिए मैंने आपका कॉस ही यहाँ पर लिया है ठीक है चलिए कमेंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा तो कमेंट आया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर चलिए मेरे अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसे सिग्नल बिल्कुल सही है शामल जी का कमेंट और अखिल जी ने भी कमेंट किया है हमारे पास ठीक है अखिल जी का भी कमेंट बिल्कुल सही है और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए 2 पाई cos ओमेगा टी ठीक है बिल्कुल सही है कोई बात नहीं जय कृष्ण प्रसाद जी कोई बात नहीं लेट हो गए तो कल से टाइम से आइएगा नहीं तो छूट जाएगा बाद में रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए ए एम हम पढ़ चुके स एज्यूम कर हमने आपका जो मैसेज सिग्नल है ये आपका एम टी है कैरियर सिग्नल आपका डिनोट किया है सी टी से दैट इज योर ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी नाउ आपका जो सिग्नल जो एस ए एम की इक्वेशन आती है उससे देख लेते हैं एस ए एम इक्वल्स टू वन प्लस के एम टी इंटू सिज योर सिटी क्या आपका कैरियर सिग्नल तो आपने क्या किया है कैरियर सिग्नल को वेरी किया है अकॉर्डिंग टू योर मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल में जो है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कैरियर सिग्नल को चेंज किया है ठीक है इक्वेशन को याद रखेगा एज एट इज इसे अभी हम ओपन भी करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अभी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी बट उसको याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए तो इस फॉर्म को याद रखिएगा एस ए एम इक्वल टू वन प्लस जहां पर आपका के ए क्या है वे इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी तो ये है यहां है आपका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी के एम टी में आपको बता चुकी यह आपका मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल इज योर एसी कैरियर सिग्नल इज सीटी दैट इज ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी ठीक है बिल्कुल सही है आपका के इज योर मॉड्युलशन सेंसिटिविटी रवि सैनी जी का कमेंट आया है ठीक है चलिए इस इक्वेशन को याद रखिएगा बहुत बार ये आपकी इक्वेशन एग्जाम में आई है

इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस के ए एम टी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी एसी कॉस टू पाई एफ सी टी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस के ए एम टी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी आ गया आपका सिग्नल तो अब आपको पता है ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी क्या है आपका कैरियर सिग्नल तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका क्या है ये कैरियर सिग्नल और जो आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया वो क्या है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल और यही होता है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल

इनको ओपन किया ब्रैकेट को ओपन किया तो जो आपका आपको पता ही है कि ए सी कॉस्टा एफ सिटी के आपका कैरियर सिग्नल जो रिमेनिंग बचा जो के ए एम टी में मल्टीप्लाई हो रहा है दिस इज योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल बिकॉज आपको पता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपका मैसेज सिग्नल भी रहेगा और आपका कैरियर सिग्नल भी रहेगा और ऑफकोर्स वो एम्प्लीट्यूड सेंसिटिविटी भी रहेगी तो दिस इज योर के ए दैट इज योर एम्प्टीट्यूड सेंसिटिविटी ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन विवेक जी बस थोड़ा सा वेट करिए पहले ये पढ़ लीजिए फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं ठीक है जस्ट वेट करिए थोड़ा सा अब बात आती है आपके यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा एम की जो बैंडविड्थ होती है मार्कर चाहिए मार्कर एम की जो बैंडविड्थ होती है आपकी एम की जो बेनिफिट होती है वो होती है टू मेगा जिसको आप कह सकते हैं टू इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका बैंडविड्थ निकालने को दिया होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी किसकी मैसेज सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी की से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा याद रखिएगा टू इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसे मैसे द मैसेज सिग्नल आपको मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी होगी एफ दिया होगा दैट इज योर एफ तो आपका पूछा होगा कि आपका बैनविट बताइए आपके ए सिग्नल का तो आप बता सकते हैं टू इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है और बहुत ज्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है बिल्कुल तुषार जी का कमेंट आ चुका है आपका बानवे जो होता है टू एफ एम दैट इज आपका एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल ठीक है नाउ अब आपने पढ़ा था मॉड्यूलेशन में आपने पढ़ा था कि आपके दो टाइप के ए एम में हमने पढ़ा था सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपके दो टाइप के होते हैं सिंगल टोन एंड मल्टी सिंगल टोन ए एंड मल्टीटोन मल्टीटोन कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज सिंगल टोन ए एम एंड व्हाट इज मल्टीटोन ए एम सिंगल टोन ए एम क्या होता है और आपका मल्टीटोन ए एम क्या होता है जल्दी से कमेंट करेंगे व्हाट इज सिंगल टोन एंड व्हाट इज मल्टीटोन सिंगल टोन में आपने पढ़ा था कि क्या है इसमें आपकी होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट नाम से ही समझ आ रहा है मल्टीटोन है तो ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट रहेंगे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट नाउ स्टार्ट करेंगे हम सिंगल टोन ए एम से देन वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीटोन ए एम सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी आपका कमेंट आ, आ चुका है हमारे पास मनोरंजन जी का बिल्कुल सही सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी आपका है सिंगल टोन होता है आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेट है तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगल सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दैट इज के बारे में मल्टी टोन को हम बाद में पढ़ेंगे तो सिंगल टोन में क्या है अब आपको एस ए एम की इक्वेशन पता है जल्दी से कमेंट करिए कि एस ए एम टी की इक्वेशन क्या होती है आपकी जो इक्वेशन अभी लिखाई थी मैंने ए एम की इक्वेशन मैंने लिखाई थी अभी जनरल एक्सप्रेशन है आपका ए एम के लिए क्या थी वन प्लस के ए एम टी सी पता है कि आपके पास signal के में क्या है? है। है। तो एक frequency component है, जो मैंने ए एम था वहां पर एम टी क्यों नहीं रखा था बिकॉज मुझे अभी नहीं पता था हम जनरल ए एम पढ़ रहे थे वहां हमको नहीं पता था कि आपके पास सिंगल कंपोनेंट है या फिर मल्टीपल कंपोनेंट है आपको नहीं पता था इसलिए हमने डायरेक्टली एम टी रखा बट इन दिस केस आपके पास क्या है सिंगल टोन ए एम है दैट इज वाई यहां पर हम एम टी की वैल्यू को रखेंगे सी टी की वैल्यू तो हमें पता ही है तो उसे भी रखेंगे ठीक है तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं एम टी की वैल्यू रखते एम टी की वैल्यू आपकी है एम टी इक्व टू एज्यूम एज्यूम एम टी इक्व टू एम कॉस टू पाई एफ एम ये आपका ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी नाउ सी टी टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे पुट कर देते वैल्यू को तो क्या हो जाएगा एस ए एम टी टी भी ना लिखे तो काम चल जाएगा वन प्लस के ए एम टी की प्लेस पे एम टी की वैल्यू रख देंगे एम टी की वैल्यू क्या है ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी वैल्यू पुट करते हैं के ए ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी एम टी की वैल्यू रख दी हमने नाउ मल्टीप्लाई बाय सी टी सी टी की वैल्यू क्या आपकी ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी यहाँ पर लिख देते हैं हम ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके देखिए फटाफट से जल्दी से सॉल्व करिए सॉल्व करने से पहले एक चीज यहां पर एक चीज रह गई है आपका यहां पर क्या है के ए एम और इसको आप कहते हैं म्यू दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इसी को ही आप कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत बार एग्जाम में आपको म्यू निकालने को पूछा जाएगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा म्यू इक्वल्स टू के ए एम तो इस इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ इस बार अब वन प्लस म्यू कॉस टू पाई एफ एम टी ब्रैकेट क्लोज ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी अब ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है याद रखिएगा म्यू इक्वल्स टू के ए एम

चलिए सॉल्व करते हैं ए सी ए एम इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया अंदर वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ए सी कॉस टू पाए सी टी प्लस अब यहां पर म्यू है म्यू एसी कॉस टू पाई एफ सी टी म्यू कॉस टू पाए टी कॉस टू पाए सी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद आपके देखिए वाली टर्म तो एज इट इज बट पर आपका फॉर्मूला लग सकता है कॉस कौस एस बी फॉर्मूला पता है टू कॉसे टू कौसे टू कॉ कॉस बी का जल्दी से कमेंट करके बताइए कॉस कौस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला आप जनरल फॉर्म में आप टू कॉस ए कॉस बी देखते होंगे पर आपको फॉर्मूला बताना है कॉस ए कॉस बी का कमेंट करिए जल्दी से कॉसे कौ कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल आपका जो ये है मॉड्यूलेशन सेंसिटिविटी है एंड पीक एम्पलीट्यूड इज योर ए एम एग्जाम जो है हेमंत जी हेमंत चौहान जी जो आपका एग्जाम है देखिए हम बता ही रहे थे कि आपका विद इन टू मंथ्स आपका एग्जाम हो जाएगा तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए बिकॉज आपके रिजल्ट अब आप जल्दी आ जाएंगे बिकॉज आंसर कीज़ आ चुकी हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द आ जाना चाहिए दस पंद्रह दिन में आई थिंक आ जाना चाहिए विद इन मंथ तो आ ही जाना चाहिए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही हो जाएगा इन टू मंथ्स हो जाएगा तो टू मंथ्स के अंदर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो ढेर सारा पढ़ते रहिए ठीक है थीके? और दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या भूषण जी का कमेंट आया कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से आगे सॉल्व करिए इसको क्या हो जाएगा सॉल्व करके चलिए अब एग्जाम के लिए पूछा ये तो ढेर सारा आपको बेस्ट ऑफ लक भी कर देते हैं ठीक है चलिए बहुत सारा पढ़ दिए और बहुत सारा आपको बेस्ट ऑफ लक तो आपके साथ है ही ठीक है चलिए आगे सॉल्व करिए चलिए अब बातों बाद में अब जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे सी टू पाए, सी टी प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी यहां पर ए सी छूट गया है यहाँ पर ए सी लिख लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी म्यू बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी और क्या हो जाएगा ब्रैकेट अगर मैं कर दूँ प्लस कॉस टू पाई दिखाई दे रहा है ठीक है एफ सी माइनस एफ एम बिकॉज आपका कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन टू तो ये मैंने टू यहाँ पर ले लिया तो ए सी म्यू यहाँ पर था अपॉन टू यहाँ लिख लिया ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी दिस इज अ फॉर्मूला अब आपके पास जनरल फॉर्म आ चुके है इसे ओपन कर लीजिए यहाँ पर मैंने इसे ओपन किया तो क्या फॉर्म आ गए ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई टू cos सी प्लस एफ एम टी प्लस ए सी मू बाई टू कॉस टू पाए एफ माइनस एफ दिस इज योर इक्वेशन तो डरेगा मत बहुत इज़ी इक्वेशन थी कुछ नहीं किया आपने सिर्फ अपने एम और सी टी की वैल्यू को पुट करा आपने कुछ नहीं किया था इस इक्वेशन में क्या कहता है एम टी की वैल्यू दी थी सी टी की वैल्यू दी थी एम टी और सी टी की वैल्यू को पुट करा पुट करा तो आपने ब्रैकेट खोलने के लिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा यहाँ पे कॉसिकॉस बी का फॉर्मुला लग सकता है आपने उस फॉर्मुले को रखा और आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई हालांकि देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है आई नो बट इतना भी डरावना नहीं है इजी सा है सी टी और एम टी की ही फॉर्म आपने रखी है कुछ भी नहीं किया प्रॉपर मार्क्स दी ठीक है बहुत ईजी था इतना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं तो ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म फॉर सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आप सिंगल टोन आपका जो ए एम है उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आपकी इस फॉर्म में होती है जहां पर ये आपका क्या है आपको पता है सी कॉस्ट टू पाइसिटी ये आपका कैरियर सिग्नल है ये आपका क्या है कैरियर सिग्नल प्लस वाली टर्म क्या है आपकी यूएस बी दैट इज योर अपर साइड बैंड एफ सी माइनस एफ एम दैट इज योर लोअर साइड बैंड USB LSB क्या होते हैं आपके कैरियर से जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है दैट इज योर USB कम वाली दैट इज योर LSB इसके बारे में हम खैर आगे डिस्कस करेंगे USB बी एंड एल तो दिस इज योर यू एस बी प्लस वाली टर्म एंड माइनस वाली टर्म इज योर एल एस बी अब आपका जब हम मल्टी टोन पढ़ेंगे तो मल्टीटोन में क्या हो जाएगा हमारे फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो जहाँ पे हमने एम टी यहाँ पर क्या लिया था ए एम कॉस्ट ऊपर एफ एम टी लिया था जब मल्टीटोन पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक यहाँ पर ए एम वन कॉस टू पाई एफ एम वन टी प्लस ए एम टू कॉस टू पाई एफ एम टू टी और जितने भी टर्म्स है आगे सो so ऑन फिलहाल हम मल्टी टोन में दो ही पढ़ेंगे बिकॉज आपको जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा कंपेरेटिवली तो दिस इज योर सिंगल टोन ए यहां तक किसी को कोई डाउट है जल्दी से थम्स अप कर दीजिए लाइक कर दीजिए और डाउट है तो कमेंट कर दीजिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर इस इक्वेशन को याद रखिएगा बिकॉज दिस इक्वेशन हम यूज करेंगे हम इस इक्वेशन को आपके नुमारिकल्स में ये इक्वेशन को आपको याद रखना है डरना बिल्कुल नहीं इस इक्वेशन को देख के बिकॉज ये इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन आपके नुमारिकल्स में आपके यूज होगी तो आपको इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है एफ सी माइनस एफ एम याद कैसे करेंगे एफ सी ऑब्वियसली आपका ग्रेटर होगा ना हाई फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली आप एफ सी को माइनस करेंगे आप एफ एम से ठीक है तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा पावर ऑफ ए एम ना पावर ऑफ ए एम पावर ऑफ ए एम क्या होती है आपकी टोटल जो पावर होती है वो कितनी होती है जो आपकी कैरियर में पावर होती है प्लस जो आपके साइड बैंड में पावर होती है ठीक है दिस इज योर पीटी इक्वल्स टू पी सी प्लस पी एस बी ठीक है तो ये क्या है पीसी प्लस पीएसबी साइड बैंड एंड कैरियर पावर ठीक है तो ये आपकी टोटल पावर होती है अब पीएसबी आपका क्या होता है पीएसबी आपका होता है पी यूएसबी प्लस पी एल एस बी याद रखिएगा पीएसबी इक्वल टू पी यूएसबी प्लस पी एल एस बी तो पीटी का फॉर्मूला होता है आपके पास इसे हम बाद में निकालेंगे पहले पीसी देख लेते हैं पीसी क्या पीसी का एक फॉर्मूला होता है आपके पास ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर आर इज योर रेजिस्टेंस टू ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर पी कैंप्लीटूड कैरियर का पी कैम्पलीट दैट इज योर एसी आर इज योर रेजिस्टेंस और पी सी आपको पता है कैरियर का पावर कैरियर की पावर तो पी इक्व टू एसी स्क्वायर अपॉन टू आर पी यूएस बी यूएसबी हमारा पी के ही इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू दोनों साइड बैंड में जो यूएसबी अपर साइड बैंड है या फिर आपका लोअर साइड बैंड है दोनों की ही जो पावर होती है वो सेम होती है दैट इज एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एट आर दिस इज दमूला फॉर द पी यूएसबी पी एल एस बी अपॉन एट आर पी एस बी का आपके पास एक और फॉर्मूला है क्या अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में पीसी इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन टू आर याद रखना टू फॉर्मुले आप को आपको इन सबको डायरेक्टली याद रखना है पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन टू साइड में मैं इसीलिए हटी हूँ बिकॉज आप डायरेक्टली इनको नोट डाउन करते रहिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत जगह आपके यूज होंगे तो यहां पर आपका एक और हो जाएगा जब आपका पीएसबी का एक फॉर्मूला है तो आपका यहां पर भी आपका पीयूएसबी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा पीसी म्यूस्क अपॉन फोर पी यूएसबी इक्वल टू पी एल एस बी इक्वल टू पी सी म्यूस्क बाय फोर यहां से यह फॉर्मूला आया

बिकॉज आपका यूएस बी एन एल एस बी एट आर है तो यहां पर आपका फोर आर हो जाता आपका एस बी पी एस बी तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दू पीसी स्क्वायर अपॉन टू आर और आपका पी एस बी इक्व टू एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीटी की तो वैल्यू आती है आपकी पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस पी सी वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स पीसी आपको पता है ये कैरियर की पावर दिस इज योर पीटी बहुत ज्यादा बार आपका ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे ठीक है तो जल्दी से इन्हें नोट no डाउन कर लीजिए इसीलिए मैं बार-बार साइड में हट रही हूँ ताकि सो दैट आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट no डाउन कर लीजिए ठीक है जल्दी से नोट no डाउन कर लीजिए आपका नेक्स्ट नीटा दैट इज योर पावर एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पीएसबी अपॉन पीटी एक और फॉर्मूला होता है आपके पास म्यू स्क्वायर प्लस अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा बार यूज होंगे तो ध्यान रखिएगा पावर एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी एस बी अपॉन पीटी एंड सेकेंड फॉर्मूला इज म्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस म्यू स्क्वायर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन्हें चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा आपने रब कर देती हूँ क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार पूछे का हैं। क्वेश्चन इज फॉर एन एम फॉर एन एम सिग्नल आपके पास एम सिग्नल है फॉर एन एम सिग्नल टोटल एस बी पावर इज गिवन बाय टोटल एस बी पावर इज गिवन बाय

म्यू की वैल्यू दी है 0.5 अब आपको वैल्यू बतानी है PC एंड PT की जल्दी से कमेंट करेंगे PC एंड PT की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टोटल SB पावर दी है इट मींस आपको क्या दिया है PSB की वैल्यू दी है दैट इज 100 वाट PSB दिया आपका 100 वॉट म्यू दिया है 0.5 अब वैल्यू निकालिए PC और PT की नेहा जी आप कहाँ पर फोर आर पूछ रही हैं कमेंट करके दोबारा से बता दीजिए फोर आर मुझे आपका डाउट समझ नहीं आया फोर आर आप दोबारा से कमेंट करके पूछ लीजिए कि आप फोर आर क्या पूछना चाह रही है एग्जैक्टली exactly? और क्वेश्चन आपके सामने आंसर निकालिए जल्दी से क्या हो जाएगा पीएसबी का फॉर्मूला आपको पता ही है पीएसबी इक्वल टू पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन टू होता है वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए उससे पहले आपको पीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बिकॉज आपको पीएसबी का फॉर्मूला पता है पीसी में स्क्वायर बाय टू म्यू की वैल्यू पता है बट आपको पीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वैल्यू निकालिए पहले पीसी की क्या वैल्यू हो जाएगी पीएसबी इक्वल टू हंड्रेड दिया है आपका पीसी म्यू स्क्वायर म्यू की वैल्यू कितनी दी आपकी पॉइंट फाइव का स्क्वायर अपॉन टू ये हो गया आपका 200 हंड्रेड अपॉन पॉइंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी तो पी की वैल्यू कितनी आई है कमेंट करके जल्दी से बताइए व्हाट इज द वैल्यू फॉर द पीसी पी सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है जल्दी से कमेंट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर द पीसी पीसी की वैल्यू कितनी है आपकी पी की वैल्यू आपकी जब सॉल्व करेंगे तो आएगी एट हंड्रेड वॉट नाउ जब पी आपके पास एट हंड्रेड है तो आपको क्या निकालना है पीटी निकालना है पीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया पीसी की वैल्यू निकल गई 800 हंड्रेड अब आपको निकालना है पीटी पीटी आपका क्या होता है पीसी प्लस पीएसबी तो पीसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 800 और आपकी पीएसबी की वैल्यू गिवन है 100 तो आपकी 900 हंड्रेड वॉट दिस इज दी आंसर ठीक है बिल्कुल सही है प्रवेश जी 800 अभिषेक जी एट अखिल जी का कमेंट आया है आपके पास एट एंड नाइन वॉट भूषण जी शैफुल्ला जी अभिषेक जी प्रवेश जी बिल्कुल सही है सभी के कमेंट आपके पीटी इक्व नाइन हंड्रेड एंड पीसी इक्व टू एट हंड्रेड वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन करते एक चीज याद रखिएगा अगर किसी क्वेश्चन में आपका नो no मॉड्यूलेशन दिया है या फिर अन सिग्नल दिया है तो अगर क्वेश्चन में आपका अन या फिर नो no मॉड्यूलेशन दिया है तो आपको वहां पर म्यू की वैल्यू होती है आपकी जीरो फॉर दी नो मॉड्युलेशन जहां पे कोई नो no, मॉड्यूलेशन no आपका गिवन हो क्वेश्चन में याद रखिएगा बहुत सारी बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपका अन दिया हो तो वहां पर आपके म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो अगर आपका दिया है हंड्रेड परसेंट मॉड्युलेशन हंड्रेड परसेंट मॉड्युलेशन दिया है तो आपका क्या हो जाएगा म्यूक्वल टू वन म्यूक्व टू वन में आपका जो मॉड्यूलेशन होता है वो होता है आपका हंड्रेड परसेंट तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप म्यू में वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपने 100% परसेंट मॉड्युलेशन प्रोवाइड किया है तो आपके म्यू की वैल्यू हो जाएगी वन अगर दिया है कि कोई मॉड्यूलेशन आपने नहीं किया अनमोडुलेटेड है तो आपके म्यू की वैल्यू हो जाती है आपकी जीरो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन अ कैरियर सिग्नल ऑफ सीटी क्वेश्चन अ कैरियर सिग्नल ऑफ सीटी एक कैरियर सिग्नल आपको दिया है सीटी इक्वल्स टू टेन कॉस टू पाई टेन कॉस टू पाई इंटू टेन दावर सिक्सटी मैसेज सिग्नल आपको दिया है मैसेज सिग्नल आपको दैट इज योर इज इक्वल्स टू एम टी की वैल्यू दी है पावर थ्री टी इतनी वैल्यू दी है फाइंड फाइन पॉसिबल पैरामीटर्स ऑफ तो आपको वैल्यू निकालनी किस किस की पी सी पी टी पी सी पीटी, जल्दी से आंसर बताएंगे पीसीपीटी म्यू की वैल्यू भी बताइए पीसीपीटी म्यू सभी की वैल्यू बताएंगे आप कमेंट करिए जल्दी से पीसीपीटी म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी जल्दी से कमेंट करिए यहां पर आपका क्या है कैरियर सिग्नल है इट मींस ये क्या है आपका एसी ये क्या हो जाएगा आपका एफसी अब यहां पे देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एएम लेकिन आपका यहां पे क्या होता है टू पाई एफ एम होता था आपका दिया है फोर पाई तो टू पाई आपका होना चाहिए तो जो रिमेनिंग बचा वो आपका एफ एम हो जाएगा तो आपका एफ एम कितना हो जाएगा एफ एम इक्वल टू टू इंटू टेन पावर थ्री हो जाएगा तो ये हो गया आपका एफ एम अब आपका म्यू का फॉर्मूला आपको पता है के ए इंटू ए एम बट इन दिस केस यू डोंट हैव दी वैल्यू ऑफ के आपके पास के ए की वैल्यू नहीं तो जब आपके पास के ए की वैल्यू नहीं होती है तो बाई डिफॉल्ट जो के वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी अपॉन ए सी डिफॉल्ट तो फॉर्मुला विल बी इक्वल्स टू ए एम ए सी इन दोनों फॉर्मूले पे म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है खास करके ए एम बाई एसी के बारे में ठीक है तो एम बाई एसी को आपको याद रखना है। अब आपको पता चल तो कैलकुलेट तो कर लेते AM की वैल्यू आपकी दी है सिक्स और एसी की वैल्यू दी है टेन तो मॉड्यूलेशन तो कितना हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया आपका जीरो पॉइंट सिक्स मॉड्यूलेशन नाउ अब आपको निकालना है वैल्यू पीसी पी सी के फॉर्मूला क्या है हमारे पास पी सी का फॉर्मूला क्या होता है एसी स्क्वायर अपॉन टू आर ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर इन दिस केस आपके पास आर भी आपके पास नहीं गिवन है तो जब आर नहीं गिवन है उसको कितना एज्यूम करना है वन ओम तो एसी की वैल्यू कितनी है आपकी टेन तो ये हो गया टेन स्क्वायर अपॉन टू यहां पर हो गया वन तो यहां हो गया आपका हंड्रेड फिफ्टी वॉट पी सी इक्वल टू फिफ्टी वाट अब आपके पास 50 वाट निकल चुका है आपको क्या फाइंड आउट करना है अब पीटी पीसी की वैल्यू है तो आप पीटी फाइंड आउट कर सकते हैं तो पीटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीसी 1 म्यू स्क्वायर बाय 2 पीसी की वैल्यू कितनी आपकी 50 1 प्लस म्यू की वैल्यू 0.6 स्क्वायर अपॉन 2 इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका कितना आंसर है आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो इसका जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से पीटी का आंसर क्या हो जाएगा पीटी आंसर विल बी फिफ्टी नाइन

तो इनको रिवाइज करिएगा फॉर्मूले भूलिएगा मत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो आपका में जो पूछा जाते, वो यही फॉर्मुलेग्जाम तो कमेंट करना मत भूलेगा शेयर सब्सक्राइब एंड फॉर द नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलेगा थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब टू सक्सेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो